हेलो एवरी वन मैंने तरुण अग्रवाल एंड आई एम डिजिटल नेटवर्कर एंड आई एम लाइव ऑन यूट्यूब द एजेंडा द एजेंडा फॉर दिस फॉर गोइंग लाइव इज टू आंसर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू जूम ऐप ओके सो लाइट चली गई यहाँ पर नो प्रॉब्लम इंटरनेट इज गोइंग ऑन नो प्रॉब्लम सो ना द थिंग इज़ इस पूरे लगभग फोर्टी फाइव मिनट टू वन आवर का ये जो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ इसमें आप लोग क्या होने वाला है मैं आपको बताता दूँ ओके वॉट यू कैन डू इज आप अपने आ, ये जो ये जो चैट बॉक्स है जो लाइव चैट है इसमें यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ओके पुट योर क्वेश्चन एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन वन बाई वन राइट डोंट वरी अभी लाइट चली गई है बट लाइट लाइट आ जाएगी डोंट वरी एट ऑल ओके आई एम बैक राइट सो टाइप योर क्वेश्चन इन लाइव चैट आई विल बी पिकिंग योर क्वेश्चन वन बाई वन राइट एंड ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट आप एक करके अपना क्वेश्चन पूछेंगे बिफोर वी स्टार्ट दैट मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा इफ़ यू आर इन टू नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं ओके okay, और आप मुझे सुन रहे हैं अभी तो मैं आपको आई एम गोइंग टू शेयर दिस लिंक आई होप आपकी स्क्रीन पर एक लिंक दिख रहा होगा दिस वन ओके बिट डॉट एल वाई फ्री वेबिनार ए टी तो ये जो लिंक है ये जो एक वेबिनार का लिंक है जो कि मैंने Uh, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी, भी डाला हुआ है यू कैन गो थ्रू गो टू दिस लिंक एंड यू कैन वॉच माय वेबिनार एक वेबिनार है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू रिक्रूट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हाउ टू रिक्रूट विदाउट प्रोस्पेक्टिंग ओके सो इस वेबिनार को जरूर देखिएगा डेफिनेटली यू विल फाइंड सम गुड क्वालिटी कॉन्टेंट हेयर और चलिए लेट्स टेक टू जूम तो जूम से रिलेटेड जूम सॉरी uh, जूम क्लाउड मीटिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्यू एन ए और मैं इसका नाम दिया मैंने आस्क मी एनीथिंग ऑन जूम क्लाउड मीटिंग आस्क मी एनी थिंग ऑन जूम क्लाउड मीटिंग ओके और राइट रिलेटिव टू जूम पूछेगा कुछ और नहीं एक फाइन 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 रिलेटेड टू जूम पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ओके विशाल जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू जूम बट बाकी जो लोग जिनका नॉट रिलेटेड टू जूम कुछ और अगर क्वेश्चन है तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू बट लेट्स स्टिक टू टॉपिक जूम ऐप से रिलेटेड कुछ पूछिए फैजान अली जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपके क्वेश्चन इस तरीके से आगे ले आऊंगा जूम अगर मैं खुद होस्ट नहीं करा ओके okay, तो क्या बाकी सारे प्रोसीजर से हम इनविटेशन कर सकते हैं जैसे आपने बताया था तो देखिए पहली बात तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ये जो क्वेश्चन है आपका बट स्टिल वट आई अंडरस्टूड इज़ कि अगर आपने ख़ुद होस्ट नहीं किया मतलब आप सिर्फ़ एक अटेंडी हैं ज़ूम पे सिर्फ आप अटेंड कर रहे हैं जूम जूम उसको तो बहुत सारे कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे यू विल बी ओनली एबल टू वॉच इट और बाकी कंट्रोल अगर जिसने जूम एप्लीकेशन को होस्ट किया है मीटिंग स्टार्ट करी है आपको अगर वो होस्ट राइट्स दे देता है ओनली देन यू कैन डू सर्टिन थिंग्स ओके सो इनविटेशन, जहाँ तक कि की बात है बस एक जूम का एक लिंक बनता है सिंपल सा वो लिंक को अगर आप शेयर कर देंगे तो फिर लोग उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं तो ये तो थोड़ी सिंपल सी चीज़ है लेकिन थोड़ा सा और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे क्वेश्चन सीधे समझ में आएगा ओके okay? सस्मिता शीज आस्किंग, जूम क्लाउड मीटिंग में मेरा प्रो मोड एक्टिव है और मैं इंटरप्राइज मोड में एक्टिव करना चाहती हूँ इसमें जो कंपनी डिटेल्स मांगता है बट मेरा तो कंपनी नहीं है मैं अपनी टीम का ट्रेनिंग सेशन करती हूँ सो इट डजेंट मैटर अगर मेरे पास कंपनी नहीं है तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ एक काम करते हैं सीधा का सीधा चलिए जूम पर ही चलते हैं ओके सो सपोज़ पहली बात तो ये जो मैंने ओपन किया हुआ है दिस इज़ जूम uh, जूम का मैंने यू नो डब्ल्यू 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 ऐसा करके आप एक वेबसाइट जो है जूम की उसको ओपन कर सकते हैं एंड देन यहाँ से आप एक्काउंट्स uh, देखिए फ़िलहाल तो ये वाला जो मैंने प्रोफाइल खोला हुआ है दिस प्रोफाइल हैज़ वेबिनार मोड तो ये तो वेबिनार मोड मैंने ओपन किया हुआ है जिसमें 100 लोग 100 पार्टिसिपेंट इसके अंदर आ सकते हैं तो दिस इज़ वेबिनार मोड राइट नाउ आई एम यूजिंग ओके सो अगर आपको कोई भी uh, एक तरीके से इंटरप्राइज मोड या जो भी अलग अलग जो प्राइसिंग है प्लान्स एंड प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इफ़ यू गो टू प्लान एंड प्राइसिंग और इनमें से आप इंटरप्राइज़ मोड यूज़ करें चाहे कोई भी मोड यूज़ करें पहली बात तो इंटरप्राइज़ मोड क्यों यूज़ कर रहे हैं बिजनेस मोड को यूज़ करिए ओके okay? अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स चाहिए तीन सौ तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं बाय नाव पे तो वहीं पर ही ऑप्शन मिलता है हम लोगों को कि कितने पार्टिसिपेंट का चाहिए आपको द देन देर इज़ नो नीड टू एंटर एनी बिज़नेस इंफॉर्मेशन वहाँ पे अगर ऑप्शन आ रहा है तो कहीं पर यू कैन सेलेक्ट आई एम एन इंडिविजुअल आई एम नॉट ए आई एम नॉट इन टू बिजनेस समथिंग लाइक दिस ओके सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बिजनेस की इनफॉर्मेशन या जी एस या ऐसा कुछ डालना है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड है आई डोंट थिंक ये सब इन्फॉर्मेशन वो मांगता है हम में से कोई भी किसी की कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है हम तो सब नेटवर्क मार्केटर्स हैं सो इंडिविजुअल लेवल पर यू कैन यू कैन बाय दिस ओके और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है पूछिए जूम मोबाइल बेसिक में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या जूम मोबाइल बेसिक तो अगर आपने मोबाइल से क्या हुआ है तो देखिए दो टाइप की दो टाइप की चीजें होती हैं रिकॉर्ड करने मतलब एक होता है रिकॉर्ड चलिए इसको ओपन करते हैं एक सेकेंड रुकी मान लीजिए कि मैं एक मीटिंग स्टार्ट करता हूँ एक सेकेंड ओके मान लीजिए मैंने एक जूमिंग स्टार्ट करी तो यहीं पर ही एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड ओके और रिकॉर्ड रिकॉर्ड इवन चलिए अगर मान लीजिए मैंने स्क्रीन शेयर करी अपनी ओके सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेयर कर दिया नाउ जब हम कुछ अपना डेस्कटॉप शेयर कर देते हैं उसके बाद इफ़ आई क्लिक ऑन एक मिनट आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ से जो मैं अभी ई कैम लाइव यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से आई आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा बट ज़ूम में जूम में ऑप्शन आता है कि जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना जैसे मैं रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर ओके okay, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर एंड रिकॉर्ड ऑन क्लाउड तो ये दो ऑप्शन दिखते हैं तो अगर आप मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं बेसिक मोड में तो आई थिंक यू विल यू विल फाइंड दिस रिकॉर्ड ऑप्शन ऑल्सो ये ऑप्शन दिखिएगा अगर आपको दिख रहे हैं तो फिर विच मीन्स कि उसमें भी दिखता है ओके okay? राइट एक बार ट्राई करिएगा अपने फोन में क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जूम में अभी बेसिक मोड में आपको दिख रहा है कि नहीं यू कैन सी बट इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा मोबाइल में भी दिख जाएगा आपको ओके okay. अगर होगा तो लक्ष्य आई डोंट हैव लैपटॉप बट आई लुक फॉरवर्ड टू गिव पीपीटीज टू पीपल आउट ऑफ इंडिया सो इज इट फ्लेक्सिबल टू होस्ट ऑन फोन ऐप ओके okay, तो ज़ूम ज़ूम अगर हम अपने फ़ोन पे चलाते हैं ओके okay, ज़ूम को अगर हम अपने फ़ोन पे चलाते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि जो प्रेजेंटेशन आपको शो करनी है वो प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिखेगा आई मीन टू से यस डेफिनेटली वी कैन शेयर द स्क्रीन हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप ईयरफोन लगा कर जैसे मैं यूज़ करता हूँ कैनवा ओके okay? हालांकि मैंने फ़ोन से इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दी मैंने फ़ोन से जब भी कोई मीटिंग करी है ज़ूम पे तो मैंने वीडियो कॉलिंग के लिए जूम यूज़ करा है फ़ोन पे ओके बट जब भी कोई प्रेजेंटेशन दी है आई है ऑलवेज यूज लैपटॉप बट क्या फ़ोन से नहीं हो सकता फ़ोन से हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एक ट्रेनिंग करी थी हमारी टीम में और वो पूरी की पूरी हमारी टीम में जो एक एक ट्रेनर है मिस्टर शुभम उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी थी कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं ओके और वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग उन्होंने जूम पे करी थी अपने मोबाइल को यूज़ करके सो लेट मी गिव यू लेट मी गिव यू समाइड की किस तरीके से दिखा <laughs> तो यू कैन जस्ट है फीलिंग किस तरीके से दिखता है अगर हम फोन के थ्रू करें तो फोन के थ्रू भी आप कर सकते हैं प्रॉब्लम सो लेट मी शो यू दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ देट वीडियो ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग फोन पे हुई थी देखिए पूरी देखिये फोन से पहली बात तो रिकॉर्ड मैंने किया था बट जो पूरी ट्रेनिंग नाम देखना शार्ण। शार्ण। तो हाँ पे हम क्या करेंगे आपको लेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा

बाकी ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया फ़ाइन तो हॉरिजॉन्टल मोड पे रख सकते हैं फ़ोन को अपने और आप इस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं फाइन और अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन शो करनी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू यूज़ कैनवा कैनवा यूज़ करिए कैनवा में एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना लीजिए फिर अपना स्क्रीन शेयर करके यू कैन गो इट और आई होप यू गॉट योर आंसर लक्ष्य राज प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग कैसे करें न्यू पर्सन के साथ जूम पे तो देखिए बड़ा ही इजी है वैसे तो अगर एक सेकेंड इसको ज़रा बंद कर देते हैं हैंड मीटिंग पहली बात तो जूम ऐप आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल होनी चाहिए यहाँ पे अगर आप होम पे क्लिक करते हैं ठीक है और अलग अलग मोड हैं जूम के बेसिक मोड बेसिक मोड में क्या होता है कि सिर्फ 40 मिनट के लिए आप मीटिंग कर सकते हो और 40 मिनट के बाद अपने आप ही वो मीटिंग बंद हो जाती है अगर आप पेड वर्जन लेते हो सौ लोगों का दो सौ तीन सौ लोगों की जो लिमिट होती है तो उस केस में आप एक मीटिंग फिक्स मीटिंग बना सकते हो जस्ट क्लिक ऑन न्यू मीटिंग ओके न्यू मीटिंग पे क्लिक कर सकते हो या फिर जस्ट क्लिक ऑन मीटिंग्स सेम ऑप्शन आपको फ़ोन पे भी, भी दिखेंगे मीटिंग्स पे क्लिक करेंगे एक अपने आप ही पर्सनल मीटिंग आई अपने आप बन जाती है ये पर्सनल मीटिंग आई तो ये पर्सनल मीटिंग आई हमेशा सेम रहती है चेंज नहीं होती तो वाट यू कैन डू इज जस्ट कॉपी करिए इन्विटेशन को यहाँ से तो कॉपी हो गया इनविटेशन और इसी इनविटेशन को आप कहीं पेस्ट करके मतलब आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे किसी पर्सन को तो बस वो जैसे क्लिक करेगा आपकी आपने भी मीटिंग स्टार्ट करी उसने भी मीटिंग स्टार्ट करी तो आपकी मीटिंग फिर वो अटेंड कर पाएगा वेरी वेरी सिंपल ओके तो राज यू कैन जस्ट ट्राई इट वेरी सिंपल क्वेश्चन मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही आप लोगों को क्या जानवी सिंग योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर जस्ट टाइप वॉइस ओके अदर पीपल जस्ट टाइप वॉइस ओके आई कैन सी मेरे माइक सेटिंग सब ठीक है ग्लोबल इंस्पिरेशन आई होप मैंने आपको एक मैंने आपको बता दिया कैसे करना है आप जूम एप्लीकेशन को फ़ोन पे आप बस होस्ट एज अ होस्ट आप स्टार्ट करिए शेयर डेस्कटॉप का एक ऑप्शन आता है शेयर स्क्रीन शेयर स्क्रीन करिए और जो मीटिंग करनी है मीटिंग करिए वेरी सिंपल ट्राई करिए ओके शुभो शुभो सरखेल इज आस्किंग इज जूम एप्लीकेशन सेफ़ और नॉट तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जूम एप्लीकेशन के बारे में अभी बीच में जो न्यूज़ आई थी कि इट इज़ नॉट सेफ़ और डोंट यूज वो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये सब चीज़ें तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ इट इज़ सेफ़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इट इज़ एब्सोल्यूटली सेफ़ और दूसरी चीज़ ये है कि सेफ्टी का इशू किस चीज़ का हमें लग रहा है ये तब बोला जा रहा है कि जब आप कोई बहुत ही सेंसीटिव इन्फॉर्मेशन की बातें बातें कर रहे हो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो ऐसे कुछ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और ये सारी बातें कुछ कर रहे हो तो वो एक अलग बात है हो सकता है यहाँ पे कुछ पाकिस्तान हमारे फ्रेंड्स हो सो आई वेलकम यू ऑल बट द थिंग इज़ अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव कोई बातें कर रहे हो तब गवर्नमेंट बोल रही है बट दैट इज़ दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल और यहीं पर ही एक कुछ 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 ऑप्शन भी हैं अगर आप जूम पर जाएंगे तो जूम एप्लीकेशन देखिए ये जो एक एक बहुत बड़ी कंपनी है जोम ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और इनको भी पता है कि यार यही तो टाइम है रुपए कमाने का इनका <laughs> तो आई थिंक अकाउंट सेटिंग्स में अकाउंट मैनेजमेंट में अकाउंट सेटिंग्स में अगर हम चाहें आई थिंक तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको डेटा सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से डेटा सेंटर पर आपको अपना डेटा रखना है ओके okay? तो आई थिंक यहाँ पर है ये कहीं और एक ऑप्शन है आई हैव टू सर्च दैट ओके नीचे 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 नीचे, नीचे। और नीचे जाते हैं सी बहुत सारे बहुत सारे ऑप्शन इन सबको गो थ्रू करिएगा ओके तो ये सारे सारे ऑप्शन आप टर्न ऑफ ऑन एंड ऑफ जो करना है आप कर सकते हैं ओके सो वर्चुअल बैकग्राउंड और ये सब चीज़ें तो ऑप्शन हैं ही मुझे एक्जैक्टली exactly वो ऑप्शन अभी दिख नहीं है कि कहाँ पर है वो ऑप्शन जहाँ पे यू कैन सेलेक्ट योर डेटा सेंटर कि कहाँ पर आपका डेटा सेव करना है वहाँ पे आप चाइना को अन, अन, चेक कर दो तो चाइना में आपका डेटा नहीं जाएगा इंडिया का रख सकते हो इंडिया में आ जाएगा ओके तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं एंड देन लेट्स सी यहाँ पर आता है क्या hmm. तो इन सबको गो थ्रू कर सकते हैं आप ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं और आपको जैसे भी रखना है पासवर्ड वासवर्ड ये सब चीज़ें यू कैन जस्ट ट्राई ऑल दीज थिंग्स ओके एक्जैक्टली वो मुझे uh, नहीं दिख रहा है वो सेटिंग जहाँ पर यह था कि आप कौन सा डेटा सेंटर आपको चूज करना है चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें बट येस इट इज़ सेफ कोई डेटा वेटा कुछ चुरा नहीं रहे अगर ऐसी बात है तो इवन फेसबुक इज़ ऑल्सो नॉट सेफ़ ऐसे तो गूगल भी सेफ नहीं है कोई भी चीज़ सेफ नहीं है फिर बट दे आर टेकिंग अवर डेटा बट वी हैव टू ट्रस्ट दट दे आर नॉट मिस यूजिंग अवर डेटा और ऐसा कौन सा डेटा हमारा कोई मिस यूज़ करेगा ओके तो यूज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एनी मोर क्वेश्चन आई एम चेकिंग योर क्वेश्चन सैम वाई टी ओके सो हम क्वेश्चन है हाई सर माई क्वेश्चन इज अरे आर जो मीटिंग्स बेनिफिशियल टू होस्ट वेन इवन यू आर योर सेल्फ न्यू इन द बिजनेस एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स फॉर सिज वेबिनार इट इज इन दटिंग हाँ देखिए अगर आप बिजनेस में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इफ़ यू डू मीटिंग्स या फिर वेबिनार सिट इज़ अ ग्रेट वे यू कैन जस्ट स्टार्ट इट इट डजेंट मैटर कि आप नए हैं या पुराने हैं स्टार्ट होस्टिंग इट बिकम अ गुड स्पीकर और जितना जितना दिखेंगे जितना वेबिनार वाली सब चीजें सीखेंगे उतना अच्छा है यस यू कैन स्टार्ट चलिए लेट्स फोकस ऑन ओनली जूम आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि कुछ रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग एफलेट मार्केटिंग अलग अलग क्वेश्चन हैं जूम पे ही जूम से रिलेटेड बात करिए okay. फैजान अली मैं जैसे न्यू हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे सीनियर वेबिनार करते हैं बट जो आपने बताया था कि प्रोसीजर वो खुद कैसे कर सकते हैं विदाउट प्रोस्पेक्टिंग तो क्या हम लोगों को ट्रेनिंग तक ला सकते हैं हाँ तो जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर वैसे तो आपको खुद अपना अपना खुद का वेबिनार करना चाहिए यू हैव टू लर्न टू डू वेबिनार एज अ होस्ट एज अ स्पीकर एज ए स्पीकर तैयारी करिए ओके खुद के वेबिनार करने की बट इफ इन केस अभी आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील नहीं कर रहे और आप अपने अपलाइन का आपके आपकी कोई मेंटर है उनका कोई वेबिनार हो रहा है जिसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हो रही है तो वेरी वेरी सिंपल तो वो लोगों ने कुछ ना कुछ एक मीटिंग इन्विटेशन बनाया होगा वो इन्विटेशन आप अपने सभी प्रॉस्पेक्ट्स को शेयर करिए ओके ब्रिंग इन योर पीपल ओके कुलदीप जूम मीटिंग की टाइम कैसे ज़्यादा होगी तो अगर आप प्राइमरी बेसिक मोड यूज़ कर रहे हैं मतलब फ्री मोड यूज़ कर रहे हैं तो फोर्टी मिनट्स का होगा अगर और अगर आपको बढ़ाना है अगर आपको बढ़ाना है तो जूम ये ये है वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट ज़ूम डॉट यू एस ओके जूम डॉट यू एस इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको अपने आपको अपना एक, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा ज़ूम पे ओके okay? चूँकि फ्री अकाउंट बन जाएगा अकाउंट तो पहले ही बना होगा आपका फ्री में आप यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे मैं वो लॉगिन इन वॉग करना सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ लॉगिन कर लेंगे माई अकाउंट्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आपकी डिटेल दिख जाएंगी ओके नाउ नेक्स्ट इज़ यहाँ पे दिखेगा आपको फ्री मोड ओके यूज़र टाइप या लाइसेंस यहाँ पर दिखेगा बेसिक या फ्री करके कुछ दिखेगा नाउ क्लिक ऑन हेयर प्लान एंड प्राइसिंग जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे अलग अलग टाइप के प्लान्स यहाँ पर ओके सो यू नो यहाँ पर देख ही रहा फ्री मोड पे क्या होता है साइन अप एंड इट्स फ्री अप टू हंड्रेड पार्टिसिपेंट हो सकते हैं वन टू वन मीटिंग आप अनलिमिटेड कर सकते हो लेकिन अगर आपको ग्रुप मीटिंग करनी है तो चालीस मिनट की हो सकती है ओके अनलिमिटेड मीटिंग नंबर ऑफ मीटिंग्स कर सकते हो और ये सब चीज़ें हैं बट अगर आपको पढ़ाना है लिमिट मतलब मीटिंग का टाइम लिमिट इन दैट केस यू कैन बाय प्रोमोट फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन यू एस डॉलर का है बाय नाव पे क्लिक करेंगे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए क्योंकि ये आई थिंक अमेरिका में है इनका और क्रेडिट कार्ड से ही हो पाएगा आई थिंक और बाकी ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम हंड्रेड पार्टिसिपेंट अगर आपको ज़्यादा पार्टिसिपेंट चाहिए तो आप इसके ऊपर माउस ओवर करके देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पार्टिसिपेंट चाहिए जैसे वन थाउजेंड पार्टिसिपेंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे दिख रहा है प्रो मोड पे एक सौ चार यू एस डॉलर तो देर इज़ नो नीड जैसे आई थिंक सस्मिता आस्किंग कि उनके टीम का साइज़ लगभग सात सौ लोग हैं उनकी टीम में सात सौ लोग मीटिंग में आना चाहते हैं तो यू कैन यू कैन गो विद दिस फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन डॉलर प्रो मोड पे क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन नीड मोर पार्टिसिपेंट ओके और ये करके जो दिख रहा है जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर ही पार्टिसिपेंट चूज़ करने का ऑप्शन आपको दिखेगा देन यू कैन चूज़ दिस वन एक सौ डॉलर और अगर हम वन ज़ीरो डॉलर इन आई करेंगे तो अभी देखते हैं कितना दिखा रहा है तो दिस विल कॉस्ट यू सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी सेवन रुपीज़ अगर आप आज लेते हैं तो ओके okay, तो पर मंथ इतना रुपया आपका कटता रहेगा ओके okay? तो ये पेड यूज करना ही पड़ेगा फिर आपको फाइन आई होप दिस इज क्लियर अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो टाइम की तक अगर मैं मोबाइल से मीटिंग होस्ट करता हूं और पीपीटी में कोई वीडियो होता है तो वो प्ले हो तो जाता है बट उसका ऑडियो पार्टिसिपेंट्स नहीं सुन पाते देखिए मैंने मैंने मैं मैं तो तो खुद से 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 कभी ट्राई नहीं किया ऐसे, बट लेट मी शो, आप थोड़ा सा कुछ ऑप्शन को आजमा सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं यही कि जब हमने इस तरीके मीटिंग मीटिंग करी थी तो ये जो जो शुभम भी कर कर रहे थे ध्यान सुनिएगा तो देता हूं। अब जैसे जल्दी जल्दी आई थिंक जब इन्होंने भी इन्होंने भी ये वीडियो प्ले करी थी हेलो माय फैमिली वेरी मच ओके इन्होंने भी जब ये वीडियो पूरा चलाया था बाद में, में आपको आप कुछ ट्राई करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने कभी फोन से ट्राई नहीं मैंने कभी फोन से ट्राई नहीं किया आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा बट आई थिंक जब इन्होंने ट्रेनिंग दी थी हमारी टीम में तो इन्होंने भी जब ये वीडियो प्ले किया था तब शायद आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे याद आ रहा है यू कैन जस्ट ट्राई शायद तक कुछ ऑप्शन देखिए फ़ोन में आई है आई हैव नॉट ट्राइड यूजिंग फ़ोन ओके ओके सो कुलदीप कुलदीप इज़ आस्किंग कि जैसे मैं मीटिंग ज्वाइन सर मीटिंग ज्वाइन करते हैं उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे विद वॉइस सो चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने भी बहुत सारे बहुत सारी जो मीटिंग्स एक सेकेंड रुकी कुछ कुछ एप्लीकेशन पीछे खो लिए हैं जरा इसको जरा मिनिमाइज़ कर दें मेरा बुरा लैपटॉप ज़बरदस्त तरीके से गर्म हो रहा है इस टाइम पे <laughs> बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं चलिए सो so, देखिए सबसे बढ़िया क्या होता है कि अगर आपको खुद के भी कोई ट्यूटोरियल बनाने हैं जैसे मैंने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं यूजिंग जूम जूम को यूज़ करके यू वॉन्ट टू सी सम एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन लेट शो यू दिस ठीक है ये ये एक टुटो, ओ, ये तो एक सॉरी तो फोटो है एक मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, इस है सुनिए इसको ध्यान से बहुत ट्यूटोरियल्स मैंने जूम पे ही बनाए हैं ओके जस्ट सी दिस जाते हैं लिटरेचर इन एप्लीकेशन मैंने ओपन क्या क्या? तो करी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कि किया मैंने बस सिंपल सा जूम एप्लीकेशन मीटिंग स्टार्ट करिए ओके किसी को इन्वाइट मत करिए बस मीटिंग स्टार्ट करके आप अपना वीडियो ऑन करिए वीडियो ऑन करने के बाद अपना ऑडियो ऑडियो सब यहाँ से एक सेकेंड इनको जरा इनका मैसेज हटा देते हैं यहाँ से आप ज़रा ये ऑडियो ऑडियो सब ऑन कर दीजिए ठीक है ये जो नीचे ऑडियो आ रहा है ये ऑडियो और वीडियो ऑन कर दिया मैंने अभी मैं कर नहीं रहा हूँ बिकॉज़ ऑडियो और वीडियो मेरा अभी यूट्यूब लाइव के लिए यूज़ हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट बस आप मीटिंग जब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये रिकॉर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है ओके ये जो नीचे रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है इस इसमें मैं क्लिक करके बस रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर पे क्लिक कर देता हूँ और फिर बोलना स्टार्ट कर देता हूँ हेलो जैसे एग्जांपल जैसे मैं कंप्यूटर स्क्रीन मैं आपको दिखाता हूँ एक रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ ओके यू वांट टू सी अ रिकॉर्डिंग कि किस तरीके से आप अपने ट्यूटोरियल फास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सी दिस जस्ट टाइप टेल मी जस्ट टाइप टेल मी फास्ट लिखिए तब तक मैं ज़रा कुछ ओपन कर लेता हूँ एक सेकेंड जस्ट टाइप टेल मी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से यूजिंग जूम यू कैन रिकॉर्ड योर ट्यूटोरियल्स या अपनी टीम का कुछ ट्रेनिंग सिस्टम ट्रेनिंग ट्रेनिंग वीडियोज़ आप बहुत जल्दी 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 बना सकते हैं ओके okay? सो so, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ कि जूम एप्लीकेशन मैंने ओपन किया ओके okay? ज़ूम मैंने ओपन किया यहाँ पर मैंने ऑडियो ऑडियो और वीडियो ओपन ओपन कर दिया ठीक है मान लीजिए और उसके बाद वट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पर ज़ूम पे आई विल क्लिक ऑन शेयर स्क्रीन और मैं शेयर कर देता हूँ अपना गूगल क्रो ओके एंड देन आई क्लिक ऑन शेयर तो ये ओके नौ जूम पर मैंने ये शेयर कर दिया एंड देन आई क्लिक ऑन रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर ओके सो चलिए फिलहाल रिकॉर्ड विद आउट हैलो एवरीबडी मैंने मिस्तरून अग्रवाल एंड दिस इज़ द रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा एंड दैन वैन आई स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप करी और इस मीटिंग को जैसे ही मैं बंद करूंगा तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ये अपने आप ही कन्वर्ट हो रहा है जो रिकॉर्डिंग मैंने करी अभी जस्ट कुछ सेकेंड्स की मैंने करी अभी रिकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है हालांकि मैंने ऑडियो इस टाइम पे नहीं चल रहा था क्योंकि ऑडियो मैं अभी YouTube लाइव के लिए यूज़ कर रहा हूँ और इस तरीके से मेरे मैकबुक में अपने आप ये सेव हो जाता है और ये एक टॉट एम फाइल बन जाती है एंड आई कैन जस्ट ओपन इट अठारह सेकेंड की ये देखिए ये टूटोरियल वीडियो बन गया वेरी फास्ट करेक्ट अब जो भी आप स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखती रहेंगी So this way you can create your tutorial video very very fast, correct? I hope this is clear. अब थोड़ा सा जो लोग technical होंगे उनको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा जो लोग technical नहीं होंगे आपको खुद से एक बार try करना होगा तभी थोड़ा सा और समझ में आएगा यह सब fine? मैंने अपनी टीम का एक इंडक्शन प्रोग्राम बनाया है कि जैसे कोई टीम में कोई member ज्वाइन करे तो उसको पहले प्रोडक्ट कैटलॉग का वॉक थ्रू होना चाहिए फिर उसको कुछ कंपनी की जो वेबसाइट है उसका गो थ्रू की कंपनी की वेबसाइट कैसी है या फिर कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करे ये सभी की सभी चीज़ें मैंने कैसे बनाई है सब कुछ जूम से बनाया है मैंने ओके जूम पे बस मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ खुद ही मीटिंग करता हूँ अकेले किसी को इन्वाइट नहीं करता मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसी को वही फाइल बन जाती है एम पी फोर कोई उसमें एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता हूँ एस एटी स्पेड मैं उसको अपलोड कर देता हूँ हमारे फेसबुक ग्रुप में ओके जी के ज्ञानेश स्पीकर का वीडियो जो आता है ऊपर कॉन्डर में वो कैसे आता है जूम एप्लीकेशन में स्पीकर का जो एक वीडियो आता है ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है अगर आपने वीडियो ऑन करी होगी तो अगर वीडियो ओपन नहीं होगी वीडियो नहीं होगी ऑन तो फिर वो नहीं आता वरना ऑटोमेटिकली वो ऊपर राइट right में राइट right साइड में ऊपर आ जाता है ओके okay? ऑटोमेटिक होता है एक सेकेंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में बहुत सारे ओल्ड आई क्रिएट हो रखे हैं सो so इंस्टाग्राम से करेंट फेसबुक आई से लिंक नहीं हो पा रहा है वेबिनार में प्रॉब्लम हो रहा है इसमें वेबिनार से कोई मतलब नहीं है ठीक है शुड आई टेक न्यू मोबाइल नंबर देखिए पहली बात तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी ओल्ड है फिर इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्ट नहीं हो रहा फिर वेबिनार में प्रॉब्लम तो नथिंग इज़ कनेक्टेड कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है और मोबाइल नंबर से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं इसका ओके टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन माइंड मैपिंग एप आई एम यूजिंग वाई बी फैक्ट्स आई होप इसका मैंने आंसर दे चुका हूं कितने का खर्चा होता है आप जूम एप्लीकेशन को ओपन करिए प्लान एंड प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा ये सारे अलग अलग प्लान्स हैं ओके नाउ देर आर टू टाइप ऑफ मोड एक होता है प्रो मोड मतलब ये वाला मोड जो कि मीटिंग मोड होता है जहाँ पे आप एक दूसरे की फोटो देख सकते हैं एक होता है वेबिनार मोड वेबिनार मोड में क्या होता है कि आप एक दूसरे की मतलब जब वेबिनार मोड में क्या होता है कि एज अ पार्टिसिपेंट आप बाकी लोगों को नहीं देख सकते ओके अगर आपको वो वेबिनार मोड लेना है तो पहले प्रो मोड आपको लेना होगा फर्स्ट यू टेक प्रो मोड उसके बाद फिर आप वेबिनार मोड को ले सकते हो ओके तो अगर मैं वापस चलूँ यहाँ पर प्रोफाइल पे अगर आपने वेबिनार मोड को यूज़ किया हुआ है आप में से किसी को पता है कि हाउ टू हाउ टू क्रिएट योर ओन लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज कैसे बनाए यस और नो देखिए ओके मीटिंग्स एक होता है नॉर्मल मीटिंग जो जूम मीटिंग होती है मल्टीपल लोग हैं एक होता है वेबिनार जहाँ पर आप स्पीकर की तरह बोलते हैं बाकी लोगों को नहीं पता चलता कि बाकी कितने लोग हैं यहाँ पर ओके दोनों की फीलिंग ऐसी आती है कि भाई वन टू वन मीटिंग चल रही है तो वेबिनार मोड आई थिंक फोर थाउजेंड या फोर्टी टू हंड्रेड पर मंथ का खर्चा होता है जिसमें सौ लोग आ सकते हैं ओके okay? तो वेबिनार मोड भी आप ले सकते हो वो वेबिनार देने में बहुत अच्छा रहता है अभिषेक यू, यूट्यूब आप में से कोई अगर जानना चाहता है इफ़ इन केस कि uh, जूम वेबिनार मोड क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा अभी इफ़ यस जस्ट टाइप वॉन्ट टू नो वॉन्ट टू नो वेबिनार मोड ओके okay? तो मैं आपको बताऊंगा अगर हो सकता है आप लोगों को पता हो इसलिए आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो अभिषेक पूछ रहे हैं यूट्यूब पे लाइव कैसे जाएं तो जब आप इस तरीके से ज़ूम को जब ओपन करते हैं मीटिंग को ही स्टार्ट करते हैं ओके मीटिंग स्टार्ट करने के बाद और मुझे ये ज़्यादा अच्छे से श्योर नहीं है कि क्या ये आ, प्रो मोड में सॉरी बेसिक फ्री मोड में अवेलेबल है कि नहीं बट आई थिंक प्रो मोड में तो डेफिनेटली अवेलेबल है और जब आप यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट करते वक्त जब आप शेयर शेयर योर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं ओके okay. इस पर क्लिक कर दिया फिर यहां पे एक... right. so, इस वाले मोड पे अभी लाइव ऑन यूट्यूब एक काम करते हैं इसको जरा बंद करते हैं ओके okay. बहुत ही सिंपल है वहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है गो लाइव ऑन यूट्यूब जैसे यहां पे मैं क्लिक करूंगा मोर पे ओके okay, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं लाइव ऑन यूट्यूब लाइव ऑन जो फेसबुक इफ आई क्लिक ऑन लाइव ऑन ट्यूब तो ऑटोमेटिकली एक गूगल क्रोम पीछे खुल जाएगा और यहाँ पे वो मांगेगा मेरा यूट्यूब का अगर ग्रोम पे पहले से ही मेरा कनेक्टेड है तो ठीक है वरना वरना यहाँ पर आप अपना टाइटल चेंज करके गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो जूम सीधा का सीधा यूट्यूब पे लाइव चले जाएंगे और जैसे अभी आपको मैं दिख रहा हूँ ऊपर हल्का सा छोटा सा वीडियो नीचे जो स्क्रीन दिख रही है एज़ इट इज़ पूरा दिख जाएगा तो वेरी वेरी सिंपल जस्ट ट्राई इट आउट ओके

आई हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग वेबिनार जैम और वेबिनार जैम के ऊपर भी मैं कुछ इस तरीके से करूंगा आज में एनीथिंग अबाउट वेबिनार जैम नाव वेबिनार जैम जो है इट इज़ मतलब आई जस्ट लव वेबिनार जैम मैं इसको क्यों बहुत मुझे पसंद है बिकॉज इट हैज़ कम्प्लीट कम्प्लीट फनल पूरा सिस्टम है इसके अंदर मतलब कि आप एक अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो प्लस यू कैन वॉच यू कैन सी ऑल दी स्टेटिस्टिकल डेटा जैसे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वेबिनार किया था वेबिनार जैम में मान लीजिए बीस तारीख को और आई कैन सी बीस तारीख को वेबिनार जैम का क्या स्टेटिस्टिक्स है तो एनालिटिक्स पे क्लिक करके मैं पूरा का पूरा देख सकता हूँ कि 559 लोगों ने रजिस्टर किया दो लोगों ने वेबिनार को अटेंड किया 50 लोगों ने रिप्ले देखा तो वेबिनार जैम में पूरा एक प्रोसेस है कि आप ई भेज सकते हो रिमाइंडर्स भेज सकते हो एक रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हो उसके बाद आप ये एनालिटिक्स देख सकते हो कि कितने कि लोगों ने कितने देर तक देखा कौन से टाइम पे कितने मिनट पे कितने लोग थे तो जब पचासवा मिनट चल रहा था तो 139 लोग देख रहे थे मेरे लाइव वेबिनार को फिर धीरे धीरे करके ये ग्राफ नीचे च, नीचे जाते चला गया तो ये पूरा का पूरा एनालिटिकल डेटा बहुत अच्छा दिखता है प्लस यहाँ पे एक एक पर्सन का आप डेटा आपके पास होता है ओके सब लोगों को ऑटोमेट ई आप भेज सकते हो जिन लोगों ने आधे घंटे पहले मतलब आधे घंटे में ही वेबिनार को छोड़ दिया उनको एक अलग टाइप की ई भेज सकते हो जिन लोगों ने बिल्कुल वेबिनार को के लिए रजिस्टर किया लेकिन ज्वाइन नहीं किया तो वी कैन फाइंड ऑल दोज नेम्स ऑल दोज ईमेल आईडी जिन्होंने रजिस्टर किया वेबिनार नहीं अटेंड किया जिन्होंने पूरा वेबिनार देखा तो बहुत अच्छी तरीके से ये रिपोर्टिंग होती है ओके सो so, कभी मैं वेबिनार जैम के ऊपर भी इसी तरीके से करूँगा बट लेट्स स्टिक टू जूम जूम भी अपने आप में ठीक है लेकिन वेबिनार जैम इज़ मच मच मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं इसके जो कि अगर आप एक बार यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल नॉट कम बैक टू जूम वेबिनार जैम बहुत अच्छा लगेगा और वेबिनार जैम जूम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है ओके तो वेबिनार जैम के ऊपर अगर आपको और डिटेल चाहिए देन यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल चैनल तो आप देख ही रहे हो तो यूट्यूब चैनल में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो ये तो लाइव चल ही रहा है तो यहाँ पर इफ़ यू गो टू वीडियोज़ तो यहाँ पे वेबिनार जैम के ऊपर मैंने कुछ ट्यूटोरियल वीडियो भी डाले हुए हैं यू कैन गो थ्रू दोज़ टूटोरियल वीडियोज़ ओके ये सारे कुछ वीडियोस हैं ये वाला ये सारे वीडियोस देखिएगा और 14 डेज का अगर आपको ट्रायल वर्जन चाहिए तो इसी में हर एक वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक डाला हुआ है यू कैन गो थ्रू द ट्रायल वर्जन चौदह दिन का ट्रायल वर्जन है उसको यूज करके देखिए अच्छा लगेगा तो ठीक है ओके okay. फाइन। और देखते हैं। प्रहलाद कुमार हाउ टू सेंड यूट्यूब लिंक फॉर माई शेड्यूल्ड वेबिनार तो जूम के थ्रू जूम के थ्रू आई डिडेंट फ्ड एनी एनी ऑप्शन कि आप पहले से कुछ आ, एक तरीके से शेड्यूल करके रख लो और पहले से एक लिंक बन जाए और वो आप शेयर कर दो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कोई ऑप्शन बट जूम के थ्रू जब आप लाइव जाते हो यूट्यूब पर तो एकदम से वो लाइव चले जाता है ओके okay? तुरंत लाइव चले जाता है तो ऐसे को है, कोई शड्यूलिंग का कोई ऑप्शन तो मुझे देखा नहीं बट आई एम यूजिंग अनदर सॉफ्टवेयर ई कैम लाइव मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप पहले से शेड्यूल कर सकते हो फिर वो टाइमर बन जाता है वो सब ओके दैट इज़ अ डिफरेंट टूल और देखिए मैं आपको एक माइंड uh, से रिलेटेड एक बात बताना चाहूँगा और आपको अच्छी लगेगी तो आपको बोलना है वैल्यूएबल ओके सो माइंड से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा हो सकता है कल आई हैव प्लान टू टू गिव यू एवन वन कॉन्टेंट रिगार्डिंग देखिए अब तो पता है मेरे कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन ही होने वाली है अब अगर ऑनलाइन होने वाली है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वेबिनार सॉरी ये ई कैम लाइव में यूज़ कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं मैं इसे ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ जैसे मैंने ये दिखा दिया अभी ओके एंड ऑल्सो देर मेनी मैनी थिंग्स लाइक अभी अगर मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर आपको देना होगा तो आई कैन जस्ट शो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर ओके okay, तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं इसके अंदर आई हैव इन्वेस्टेड इन दीज टूल्स मैंने इन टूल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन दीज टूल्स दीज टूल्स आर एक्चुअली वर्किंग फॉर मी एंड एक्चुअली मेरी लाइफ इन टूल्स ने बहुत ज़्यादा ईजी कर दी है ओके okay? सिमिलरली अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे वेबिनार को अटेंड करिए मेरे वेबिनार का लिंक तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा वेबिनार ये है आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो खैर क्लिक नहीं कर सकते वीडियो में तो बट ये जो लिंक ये जो है बिट डॉट एल वाई फ्री वेबिनार ए टी फ्री वेबिनार ए टी आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो देन यू कैन वॉच माई वेबिनार ऑन हाउ टू रिक्रूट विदाउट प्रोस्पेक्टिंग तो ये कुछ टूल्स हैं जिनकी वजह से मेरे को बड़ी ईजी बहुत ईजी हो रहा है ये सब लाइव स्ट्रीम करना वेरी वेरी ईजी ओके सो लगभग आई थिंक ग्यारह सौ रुपये पर मंथ मैं इस पर खर्चा करता हूँ जूम पे भी खर्चा होता है मेरा फिर वेबिनार जैम पे मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ बट ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि ऑफलाइन खर्चों से लाख गुना सस्ता है ओके बट डीज़ आर रियली मेकिंग माई लाइफ वेरी वेरी ईजी

इफ़ यू फाउंड इट वैल्यूबल जस्ट जस्ट आई वैल्यू बिकॉज आई सी मेनी पीपल उनको पता है कि ये सारे टूल्स हैं मैं आपको जूम के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ बट वेरी फ्यू पीपल विल बाई जूम प्रोमोट जो कि सिर्फ ग्यारह सौ हज़ार ग्यारह सौ रुपये पर मंथ का खर्चा होता है बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लोग सोचते हैं हमारा जो अप्लाइन है यार व उस वो, वो तो करी रहा है यार उसी के उसी की ट्रेनिंग में लोगों को बुला लिया करेंगे मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए खुद भी जूम एप्लीकेशन का प्रोमोड को परचेज करिए और खुद की वेबिनार करना स्टार्ट करिए क्योंकि अगर खुद की वेबिनार आप नहीं करेंगे यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन और आपका अपलाइन जो खर्चा कर रहा है चार हज़ार पाँच हज़ार रुपये का जूम पे वो अपना बिजनेस कर रहा है वो अपना बिजनेस कर रहा है ओके ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू बट यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस देन यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन दीज टूल्स आपको करना ही पड़ेगा यू शुड डू इट ओके ओपन अप योर माइंड बिजनेस मैन एंड दीज आर दिंग्स विच कैन हेल्प यू टू ग्रो योर ओन बिजनेस राज एजाज की न्यू प्रॉस्पेक्ट को जूम ऐप से प्रेजेंटेशन देते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बताना है जिससे कि पर्सन इंटरेस्टेड हो कन्विंस हो ज्वाइनिंग के लिए तो देखिए ये टूल स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है ये आपका क्वेश्चन ये है कि जूम एप्लीकेशन यूज़ करके किस तरीके से एक अच्छा वेबिनार दें ओके तो अगर आपको एक अच्छा वेबिनार करना सीखना है देन मैं आपको अगेन आई रिपीट कि आप अगर आपको ये सीखना है पड़ेगा क्योंकि टूल की नॉलेज तो एक अलग जगह हो गई बट मैं आपको बोलूँगा इस लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद जो मैंने आपको ये बताया ये जो ये जो एक लिंक है बिट डॉट एल वाई फ्री वेबिनार डॉट फ्री वेबिनार ए और जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगा आप इसको क्लिक करके मेरे वेबिनार को देखिए 35 फाइव मिनट्स का वेबिनार है ये हर 15 मिनट के अंदर ये चलता है दिस इज़ ऑटो वेबिनार आप इस पर क्लिक करिएगा और अपने टाइम के हिसाब से देखिए इसको आधे घंटे आधे घंटे का है सिर्फ बट बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि लोगों को रिक्रूट कैसे करें विदाउट प्रोस्पेक्टिंग और उसमें मैंने बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें बताई हैं एंड देन फाइनली आई हैव शेयर्ड अबाउट वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉर्मूला कि किस कि तरीके से लोगों को रिक्रूट करें बाई डूइंग योर ओन वेबिनार्स वेबिनार करके कैसे लोगों को रिक्रूट करें सो so आप इसको पूरा गो थ्रू करिएगा पहले तो उसको जो वेबिनार मैंने बताया हुआ है एट दी एंड ऑफ द वेबिनार आई आई हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉमूला ओके तो जस्ट गो थ्रू देट ओनली दैन यू विल अंडरस्टैंड एंड आई हैव गि सम वेरी गुड ऑफर ऑल्सो राइट तो आप ये पूछ रहे हैं कि वेबिनार कैसे करें तो आपको सीखना पड़ेगा ये क्वेश्चन एक वीडियो बनाऊंगा कुछ लोग पूछ रहे हैं पे टूल यस मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर कि कौन कौन से टूल्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ओके कौन कौन से टूल्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस आगे ऑनलाइन ग्रो हो जाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा वरना कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा क्या करें यार आज क्या करें समझ नहीं आ रहा तो क्यों ना टूल्स को यूज़ करके मेक द लाइफ लिटिल ईज़ी यस चलिए मिनट ओके okay, सो so काफ़ी सारे लोगों का आंसर आया था टेल uh, मी तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ रिलेटेड टू ओके फाइन सो आई एम नाउ नाउ गोइंग टू टेल यू अब ये बहुत ध्यान से सुनेगा ये आपके लिए बहुत वेल्यूबल होने वाला है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन पेज क्यों ना एक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट या कोई भी आपने यूज़ किया आप एक लिंक दे दें एक क्यों ना एक एक लिंक बन जाए जैसे ही वो पर्सन उस पर क्लिक करे तो एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाए और रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होते ही वो अपना नाम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो भी वो इन्फॉर्मेशन डाले और ऑटोमेटिकली जूम से ई चले जाए यस yes? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए अगले तीन चार मिनट के अंदर आपको वो सब चीज़ें पता चलने वाली हैं तो लेट्स डू इट सो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू गो टू जूम डॉट यू एस ओके जूम डॉट यू एस के साइट पर आपको लॉग इन करना होगा एप्लीकेशन पर नहीं जाना आपको ये ओपन करना पड़ेगा जूम डॉट यू एस में एंड देन पहली बात तो यह है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो वो मीटिंग्स पर नहीं बनता मीटिंग्स में रजिस्ट्रेशन पेज कोई नहीं बनता है यू हैव टू गो टू वेबिनार्स आपको वेबिनार मोड लेना पड़ेगा वेबिनार मोड सौ लोगों के पार्टिसिपेंट्स के लिए आई थिंक दे चार्ज अराउंड फोर थाउजेंड रुपीज़ ऐसे कुछ लगता है ओके okay? तो यहाँ ऑन वेबिनार्स यहाँ पर यू कैन क्लिक ऑन शेड्यूल अ वेबिनार मान लीजिए आप एक वेबिनार करना चाहते हैं वेबिनार में क्या होता है कि एक जो मल्टीपल लोग जो आपके वेबिनार को देख रहे हैं एक दूसरे को नहीं, नहीं देख पाएंगे वो वो सिर्फ आपको देखते हैं उनको नहीं पता कितने लोग हैं यहाँ पर ओके okay. और साथ में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसके अंदर लेट मी टेल यू क्या क्या होते हैं आई क्रिक ऑन शेड्यूल वेबिनार देन यहाँ पर आप वेबिनार का टाइटल दे दीजिए जैसे सिर्फ एग्जांपल इस वेबिनार का टाइटल है बिजनेस ओके सीक्रेट्स टू बिल्ड साइड इनकम जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल के दे रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए साइड इनकम यूजिंग यूजिंग सोशल मीडिया सोशल मीडिया लिख सकते हैं या डिजिटल टूल वॉट ओके तो फ्री लाइव वेबिनार फ्री लाइव वेबिनार दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबिनार फॉर मान लीजिए आपके टारगेट ऑडियंस है कॉलेज स्टूडेंट तो कॉलेज स्टूडेंट्स वेयर यू विल लर्न अबाउट अब यहाँ पे तीन ऐसे क्लियरली लिखिएगा मेंशन करना होगा आपको जैसे कि एक अट्रैक्टिव इन्विटेशन बनाएंगे एक लैंडिंग पेज बनाएंगे तभी तो लोग डिसीजन लेंगे भाई कि करें कि नहीं करें अटेंड है ना तो ये हो गया टाइटल ये हो गया डिस्क्रिप्शन वेर यू विल लर्न अबाउट करेंट मार्केट स्नैरियो हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया टू हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर As asset, okay. Uh, one package, one business idea to earn extra income from your from your hostel room. Just example के लिए मैंने रख रखा. ठीक है. तो ये हो गया title, ये हो गया description. Now यूज़ अ टैम्पलेट यहाँ पे कुछ टैम्पलेट्स हैं पहले से मतलब पहले भी कभी यूज़ किया था तो इसको फिलहाल इग्नोर कर दीजिए Now ये वेबिनार आपको कब करना है लेट शेड्यूल इट इसको शेड्यूल कर लेते हैं सपोज कमिंग संडे मान लीजिए थर्टी फर्स्ट ऑफ मे थर्टी फर्स्ट ऑफ मे को करना है और कब करना है मान लीजिए मुझे करना है सुबह साढ़े ग्यारह बजे आप में से कई लोग वेबिनार मोड को नहीं यूज़ करें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पावर क्या है वेबिनार मोड की एंड देन क्लिक ऑन ड्यूरेशन कितने घंटे का एक घंटे का है टाइम जोन इंडिया है रिकरिंग रिकरिंग वेबिनार बार बार करना है नहीं एक ही बार करना है ओके okay, सॉरी बार बार नहीं करना है एक ही बार करना है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड तो यहाँ पर टिक कर दीजिए यस yes. कि जब जैसे वो रजिस्टर करेगा तभी उसको फिर उसको बाकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड पे येस yes करना होगा टिक और वेबिनार पासवर्ड को अनचेक अं, कर देते हैं कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है वीडियो ये सब ऑफ ऑफ ये बहुत कर देते हैं वेबिनार क्यू एन ए का ऑप्शन दिखाना है कि नहीं येस ओके इनेबल एच डी वीडियो फॉर स्क्रीन शेड वीडियो इसको टिक कर देते हैं कि एच डी वीडियो में सेव हो जाए ये देखिए और बाकी ये जो भी आपको सही लग रहा है देन नाउ क्लिक ऑन शेड्यूल ओके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन ज्वाइन इसका मतलब ये होता है कि जिसने रजिस्टर किया होगा सिर्फ वही ज्वाइन कर पाएगा बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कभी कभी आपको पता ही है थोड़ी बहुत पायरेसी हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपका पेड वेबिनार है तो लोगों ने सोचा कि यार मैंने अगर इसको ले लिया मैं दूसरे लोगों के साथ अपना लिंक शेयर कर दूंगा <laughs> तो वो सब उसको रोकना है तो आप रोक सकते हैं जूम के थ्रू राइट नाव यहाँ पर वेबिनार आई अपने आप बन गया ये डिटेल बन गई ओके ये सब अपने आप बन गया नाउ नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिक किया था रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड येस किया था दैट्स वाई यहाँ पे नीचे दिख गया अपने आप ही क्योंकि वेबिनार मोड है इन्विटेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक ये दिख रहा है अपने आप ही सौ लोग आ सकते हैं जो पैकेज मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी और यहाँ पर इफ़ आई कॉपी दिस अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कहीं इसको ओपन कर लेता हूँ अलग से तो यू विल सी ये जो लिंक है ना अब नाउ दिस इज़ माई रजिस्ट्रेशन लिंक अब इसको मैं किसी के साथ भी शेयर करूँगा तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन उसको फिलअप पहले करना पड़ेगा ओके तो वेबिनार रजिस्ट्रेशन ये टाइटल हो गया ये डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा था एंड देन उसको अपना फर्स्ट नेम मैं डाल लीजिए मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ यहाँ पर और ई मेल मैं डाल देता हूँ ओके जस्ट फॉर सैंपल पर्पज ठीक है तो नाम और ई मेल हम लोग मांग रहे हैं यहाँ पर एंड देन क्लिक ऑन रजिस्टर तो ये जो लिंक बना था रजिस्ट्रेशन लिंक अब ये हो गया योर रजिस्ट्रेशन इज़ अप्रूव क्योंकि ऑटो रजिस्टर किया हुआ था अब जैसे ही वो पर्सन ऑटोमेटिकली इसको ई मेल पर जो ई मेल मैंने फिल करी थी उसी ई मेल पर ऑटोमेटिक ई मेल आ जाएगा जूम से और वो दिखेगा कि भाई ये आपका यू आर एल आप इस पर क्लिक करोगे तो इस मीटिंग के टाइम पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फाइन अगर हम वापस यहाँ पर चलें जैसे हमने बनाया था ये रजिस्ट्रेशन पेज तो ये था रजिस्ट्रेशन लिंक अब मान लीजिए आप कोई व्हाट्सएप uh, पे सोशल मीडिया में कहीं पर भी अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको बस ये लिंक को शेयर करना है लोगों के साथ दैट्स इट जैसे जैसे लोग रजिस्टर करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर नीचे दिखता रहेगा अभी ज़ीरो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे को अभी रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसको रिफ़्रेश करते हैं ज़रा तो यहाँ पर अपने आप ही दिख जाएगा कि कितने लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर हो चुका है जो कि मैंने ही रजिस्टर किया था अभी फ़ाइन और अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो आई कैन सी कितने लोगों ने मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है फाइन कितने लोगों ने रजिस्टर किया है उनकी सारी डिटेल मतलब उनका नाम और ई मेल दिख गया और ऑटोमेटिकली इनको ई चली गई होगी जूम से फाइन आपको ये सब देख सकते हैं कब रजिस्टर किया उस बंदे ने और साथ ही में अगर आपको उनको ईमेल भेजनी है और कुछ बनाना है आपको कि कब कब कौन कौन सी रिमाइंडर्स के लिए आपको ईमेल भेजना है देन क्लिक ऑन ईमेल सेटिंग्स ठीक है और कंफर्मेशन ईमेल अपॉन रजिस्ट्रेशन जैसे ही रजिस्टर होगा तब आपको कोई ईमेल भेजनी है तो यहाँ पर आप ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ईमेल का पूरा डेटा दिख रहा है तो कुछ चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है मीटिंग टॉपिक एंड कन्फर्मेशन अपने आप ही ई मेल चली जाएगी उसको ओके ये सिर्फ वेबिनार मोड में होता है मीटिंग मोड में नहीं होता है ये नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर ई मेल भेजना है देन यू कैन क्लिक हेयर एडिट और एक घंटे पहले एक दिन पहले और एक हफ्ते पहले अगर आप इन सब चीज़ों को टिक करेंगे बाकी सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हैं ओके अगर आपको कुछ और भी कुछ चीज़ें लिखनी है तो साथ में ये सब तो हो जाएगा ही साथ में ऑल्सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो नोट माई व्हाट्सएप अगर आप व्हाट्सएप नंबर देना चाहें तो किसी कैसे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया सेव कर दिया तो ये तीन ई नोटिफिकेशन अपने आप जाएंगी एक घंटे पहले एक दिन पहले और एक हफ्ते पहले तो ये हमने क्या करा अभी एक वेबिनार बना दिया एक यहाँ पे ईमेल सेटिंग्स कर दी ओके वन डे बिफोर वन वन आवर बिफोर वन डे बिफोर एंड वन वीक बिफोर ऑटोमेटिक ई जाएगा और अटेंडीज जो जिन लोगों ने हमारे वेबिनार को अटेंड किया उन लोगों को मतलब आफ्टर दी वेबिनार ऑटोमेटिकली उनको फॉलो अप ई मेल अगर आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेंड फॉलो अप ई मेल टू अटेंडीज जिन लोगों ने अटेंड किया होगा तो एक दिन बाद दो दिन बाद तीन दिन बाद कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने दिन बाद आपको भेजना है एंड देन ये हो गया टाइटल आप चेंज कर सकते हो एंड देन यहाँ पर यू कैन जस्ट टाइप वॉट एवर यू वॉन्ट जो भी टेक्स्ट आपको डालना है ओके सो दिस वे यू कैन सेंड फॉलो अप ई मेल ऑल्सो अटेंडीज़ को और एबसेंटीज़ को जिन्होंने रजिस्टर किया लेकिन अटेंड नहीं किया फाइन तो इन्विटेशन ये लिंक बन जाता है और साथ ही में अगर आप चाहते हैं चलिए ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को भूल जाते हैं और ये सब चीज़ें बट फिलहाल ये आपका रजिस्ट्रेशन एक लिंक बन गया राइट एंड देन यू कैन यहाँ से जो ई मेल सेटिंग्स में हम जाएंगे सॉरी यहाँ पर इन्विटेशन में जाते हैं जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया होगा यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं व्यू पे क्लिक किया इसमें मैंने टिक किया देन ओके यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है एक मिनट रुकिए इम्पोर्ट फ्रॉम सी वी वी सी सी एस वी ये तो रिसेंट सो चेक कि पूरे के पूरे इसको डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है वी कैन एक्सपोर्ट दिस ऑल्सो ओके बट वी कैन इम्पोर्ट अगर हमने कहीं और से डेटा कलेक्ट किया बहुत सारे लोगों की ई मेल हमारे पास है आप चाहते हैं सपोज़ आपके पास 100-200 ईमेल्स पड़ी हुई है आपके पास कहीं भी है ना आप उन सबका ई मेल में डेटा लीजिए और इम्पोर्ट फ्रॉम सी एस पी कर लीजिए तो यहाँ पर सीधे का सीधा सबका ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको ऑटोमेटिकली ई मेल आ जाएगी कि आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है राइट आई होप यू अंडरस्टुड थोड़ा बहुत कि वेबिनार मोड कैसे यूज़ करना है अगेन लाइट चले गई और राइट आपको कुछ वैल्यूबल लगा कि नहीं वेबिनार मोड इज़ रियली ग्रेट ओके okay. वेबिनार मोड में ही आप लैंडिंग पेज ये सब चीज़ें यूज कर सकते हो इफ़ इन केस ओके इफ इन केस आपको वेबिनार मोड में आपको फोन नंबर भी कलेक्ट करना है देन देर इज़ ऑप्शन यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिखता है कि आप फ़ोन नंबर को भी ऐड कर सकते हो ओके okay. देखते हैं वैसे तो नाम ई मेल तो मांगता ही है ओके okay, जैसे यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर कस्टम क्वेश्चंस ओके okay, मैं फिर से दिखाता हूँ मैं कहाँ पे गया था ये पूरा वेबिनार हमने बनाया आप क्लिक फिर से दिखाता हूँ क्लोक हो जाता बहुत फास्ट लग रहा हो आपको तो ये जो वेबिनार था मैंने बनाया इस पर मैंने क्लिक किया थर्टी फर्स्ट मे साढ़े बजे क्लिक जैसे किया मैंने तो यहाँ पर नीचे ये सारी ऑप्शन दिखा रहा है ओके okay, नाउ अप्रूवल ऑप्शन यहाँ पर फिर क्लिक ऑन एडिट एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टम क्वेश्चन या क्वेश्चन यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन तो ले ही रहे थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है देन क्लिक ऑन दिस फोन और इसको कर दीजिए रिक्वायर्ड तो विच मीन्स कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन करेगा नाम ईमेल आईडी तो डालेगा ही साथ में फ़ोन नंबर भी उसको डालना पड़ेगा अब मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर अब क्या करेंगे अब अगर मान लीजिए मैं फिर से इस लिंक को अगर मैं ओपन इसको कॉपी करता हूँ और इसको जरा मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ कि क्या दिखता है अब क्या ये आप फ़ोन नंबर मांग रहे हैं हमसे ये हो गया रजिस्ट्रेशन पेज हमारा जूम का फाइन आप देखिए नाम ई मेल और फ़ोन नंबर भी वो भी रिक्वायर्ड तो इस तरीके से यू कैन फॉर फ़ोन नंबर ऑल्सो राइट आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप रजिस्ट्रेशन पेज जूम के थ्रू कैसे बनाएं इफ़ इन केस आपको थोड़ा फास्ट लग गया तो ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी आप फिर से देख सकते हैं बाद में फाइन डि यू फाइंड इट वैल्यूएबल ये कुछ समझ में आया आपको कई लोग नहीं जानते वेबिनार मोड को कैसे यूज़ करना है चलिए आगे बढ़ते हैं श्रीकांत कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए ये जूम से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आप मैं तो मैकबुक यूज़ करता हूँ यू कैन यूज़ मैकबुक मतलब अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं जो कि मैं बोलूँगा एफोर्ड करिए बिकॉज मैकबुक अगर आप यूज़ करेंगे यू विल नेवर गेट बैक टू विंडोज इसमें इतनी ज़बरदस्त जबरदस्त एप्लीकेशनस हैं या सो फास्ट अभी इस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो मैकबुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी एप्पल मैकबुक एयर लगभग मैं आपको बोलूँगा तीन से चार महीने हो चुके होंगे मैंने तीन चार महीने से अपने मैकबुक को कभी री तक नहीं किया शट डाउन नहीं किया मतलब ओके मैंने शट डाउन नहीं किया अभी तक मतलब मैं क्या करता हूँ बस मीटिंग खत्म ऐसे करके इसको बंद कर दूँगा लीड बंद कर देता हूँ <laughs> फिर लीड खोल देता हूँ एज़ इट इज़ मतलब इट इज़ सो फास्ट आई रियली लव इट सार्थक आई यूज़ कैनवा कैनवा यूज़ करता हूँ ओके विच ऐप इज़ बेटर गूगल मीट और जूम फिलहाल तो जूम इज़ गुड बाकी गूगल मीट को भी यूज़ कर सकते हैं आप फॉर मीटिंग्स मीटिंग पर्पज़ के लिए गूगल मीट आप यूज़ करिए ठीक है वेबिनार के लिए यू कैन यूज़ जूम ओके दोनों ठीक हैं दोनों ही सिक्योर है दोनों ही ठीक है आई डोंट थिंक कि जूम सेफ़ नहीं है जूम इज़ सेफ ओके अब थोड़ा तो सा मैं जल्दी जल्दी आंसर देता हूँ आपके हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज मैंने आपको बता दिया लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं बनाते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट प्लान शो करने का सही तरीका तो वेबिनार कैसे करते हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा तो प्लान शो करने का सही तरीका इसके लिए अगेन आई रिपीट मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आफ्टर दिस लाइव ये जो एक लिंक है आप इसको ओपन करिएगा बिड डॉट एल वाई फ्री वेबिनार ए टी ओके फ्री वेबिनार एटी या आधे घंटे का वेबिनार है बिल्कुल टू दी पॉइंट मैंने कुछ वैल्यूबल कॉन्टेंट दिया हुआ है कि विदाउट विदाउट प्रोस्पेक्टिंग लोगों को रिक्रूट कैसे करें यू कैन जस्ट गो थ्रू इट और उसमें मैंने बताया हुआ है बाद में कि वेबिनार्स करके किस तरीके से आप अपने अपने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं तो जस्ट गो थ्रू दिस वेबिनार यू विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट दिस लाइट आ जा रही है बार बार भाई बट नथिंग कैन स्टॉप अस ओके फिर आ गई डू सम प्रोग्राम ऑन माइंड सेट डेफिनेटली चलिए थैंक यू फॉर सजेशन आई विल डू इट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जूम मीटिंग एंड वेबिनार मैंने आपको बता दिया तमनदीप यस yes. और अगर थोड़ा सा फास्ट हो गया तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा ये वीडियो मेरी यूट्यूब पर होगी येस yes. फैजान डेफिनेटली ऑल द बेस्ट ओके फाइन एक महीना हुआ है आपको ग्रेट जरा इसको बंद कर देते हैं ये uh, yeah. कैन यू प्लीज़ डिटेल व्हाट आर दी बेनिफिट ऑफ ज़ूम प्रो तो जूम प्रो के बारे में मैंने आपको बताया अगर आपको बेनीफिट क्या अगर आपको फीचर इसके देखने हैं तो वट यू कैन डू इस अगेन आई रिपीट जस्ट गो टू जूम डॉट यू एस क्लिक ऑन प्लान्स एंड प्राइसिंग एंड वहाँ से आप देख सकते हैं प्रो मोड में क्या क्या ऑप्शनस हैं और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं रिपोर्टिंग्स एंड मीटिंग ड्यूरेशन ट्वेंटी फोर आवर्स पूरे एक दिन तक पूरा लगातार मीटिंग कर सकते हैं सौ लोग आ सकते हैं मीटिंग में ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर ओके okay? पवन इज़ आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन कि कुछ लोग जूम मीटिंग के वक्त स्क्रीन पर पेंटिंग करते हैं वो रेगुलरली मीटिंग नहीं होने देते रोक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पवन चलिए इसका आंसर देते हैं आप में से कितने लोग चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों को तो पहले से पता होगा वेरी सिंपल वैसे तो सिंपल तभी है जब पता है पता नहीं है तो कुछ कुछ भी सिंपल नहीं है ना तो चलिए ये काम करते हैं मान लीजिए हम लोगों ने पहली बात तो ये वेबिनार मोडियस को पहले बंद किया जाए जूम हमने ओपन किया जूम मीटिंग मान लीजिए ये एक ये तो वेबिनार हो गया मान जी न्यू मीटिंग मैंने स्टार्ट करी ओके एक सेकेंड एक सेकेंड ओके तो जूम पे मान जी मैंने नई मीटिंग स्टार्ट करी ये पंकज हैं पंकज का मैं अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैं तो वेबिनार जैम में आ गया हूँ अभी <laughs> तो खैर तो जब हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मान लीजिए मैं शेयर कर रहा हूँ गूगल क्रोम को तो मैंने ये जूम पे मैंने शेयर किया हुआ है तो यहाँ पर मोर करके एक ऑप्शन दिखता है ओ हो आपको अभी नहीं दिख रहा होगा मोर करके ऑप्शन दिखता है और वहां पर एक ऑप्शन दिखता है डिसेबल अटेंडी एनोटेशन चलिए मैं इसका स्क्रीन ले लेता हूँ ओके okay? तो मैं आपको दिखा पाऊंगा मैंने अभी इसका स्क्रीन ले लिया अब मैं आपको दिखाता हूँ ओके uh, तो जब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं जूम पे तो ये देखिए ये जूम का मैंने अभी स्क्रीन लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ऊपर जो हमें ऑप्शन दिखते हैं आ, सेटिंग्स के यहाँ पर क्लिक ऑन मोर मोर पे क्लिक करके क्लिक ऑन दिस ऑप्शन डिसेबल अटेंडी एनोटेशन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर कोई भी जो अटेंडी होता है वो कभी भी उसके ऊपर कुछ लिख नहीं पाएगा फिर और राइट आई होप यू अंडरस्टैंड पवन और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ओके okay. और ये डिसेबल अटेंडी एन्यूटेशन पे क्लिक कर सकते हैं आप मोर पे क्लिक करके फाइन विनीत राम हाउ टू राइट वेल जूम प्रेजेंटेशन लाइक आई वॉन्ट टू सर्कल अंडरलाइन माई एनी टेक्स इज़ इट पॉसिबल ऑन जूम येस डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कोई मीटिंग स्टार्ट करते हैं जूम पे ओके एक मिनट ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है इसको जरा मैं ऑफ़ कर दूँ तो जब हम कोई मीटिंग स्टार्ट करते हैं जैसे शेयर स्क्रीन पर मैंने क्लिक किया मान लीजिए एक ये मैंने शेयर कर दिया ये जूम चल रहा है अभी पीछे ठीक है ये जूम पर ये दिख रहा है आपको और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है एनोटेट, ओके okay. अब आपको ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये सब चल रहा है इसमें इसका अगेन मुझे स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा ओके okay. एक सेकेंड रुकी Point. तो मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से ये दिखेगा आपको दिस वन तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ओके okay? <laughs> काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है आपको ये फोटो यह फोटोनशॉट लिया हुआ है तो खैर जब जूम एप्लीकेशन हम यूज करते हैं ये जो कंट्रोल पैनल होता है ओके okay? तो यहां पर एक ऑप्शन दिखता है एनोटेट जब आप स्क्रीन शेयर करते हो एनोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिखेंगे क्लिक ऑन ड्रॉ आप फिर ड्रॉप पे क्लिक करके फिर आप जैसे जैसे माउस चलाएंगे वैसे वैसे काम होता रहेगा ओके आई होप दिस इज क्लियर फाइन द गुड क्वेश्चन डेफिनेटली काफ़ी लोग सोचते हैं कि कैसे इसको करें इज इट पेड समथिंग येस वेबिनार जैम इज पेड किस साल का पैकेज होता है करेंगे वेबिनार जैम के ऊपर भी यू कैन गो थ्रू माई ट्यूटोरियल्स ऑन दिस वेरी गुड क्वेश्चन लोग बार बार अनम्यूट करते रहते हैं जूम मीटिंग में तो अगर लोग बार बार जूम मीटिंग में आपको एज अ होस्ट आपको उनको म्यूट करना पड़ेगा म्यूट ऑल ओके एज अ होस्ट यू कैन म्यूट एवरीबडी अब आपको म्यूट ऑल करना नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ जब हम कोई मीटिंग स्टार्ट करते हैं ओके okay, एक मिनट जैसे हमने कोई मीटिंग स्टार्ट करी है जूम पे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है अगर आपको ये दिख रहा है एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको एक सेकेंड रुकिए जैसे कि आपको दिख जाए इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं ऊपर फाइन सो अगर हम जूम एप्लीकेशन को जब चलाते हैं तो यहां पे नीचे जो ऑप्शन दिखते हैं यहां पर यहां पर इफ आई क्लिक ऑन दिस पार्टिसिपेंट तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब यहां पे दिखते हैं ओके okay? तो जस्ट क्लिक ऑन म्यूट ऑल एंड दैन क्लिक ऑन अलाओ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट डैम सेल्फ इसको आपको अनचेक करना होगा एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनमें से कोई भी पर्सन अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा ओके okay? तो क्लिक ऑन म्यूट ऑल एंड अलाउ इसको अनचेक करना है आपको बस सिंपल बाकी यहाँ पे मोर पे क्लिक करके जस्ट गो थ्रू ऑल दीज सेटिंग्स बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है लोग कहते हैं कि यार इतने सारे लोग ज्वाइन करने के लिए हैं वो उनको ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने इनेबल वेटिंग रूम किया हुआ है आपको इसको इसको अनचेक कर दीजिए तो उससे क्या होगा कि अब जैसे ही कोई लिंक पे क्लिक करेगा हमारे जूम पे तो तुरंत वो मीटिंग में आ जाएगा ओके okay? तो इनेबल वेटिंग रूम को ऑफ कर सकते हैं आप ओके अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट डेम इसको आपको अनचेक करना है बस उससे कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा फिर आई होप दिस इज़ क्लियर आर यू फाइंडिंग इट यूज़फुल आपको ये पूरा लाइव सेशन यूजफुल लग रहा है कि नहीं अगर यूजफुल लग रहा है तो मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग लाइन लगा दीजिए और लिख दीजिए यूजफुल यूजफुल ओके ओके गणेश थोड़ा सा रुकिए, गणेश हाँ बाबा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वी कैन कनेक्ट विद इट वी कैन वी कैन वी कैन कनेक्ट आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पर कनेक्ट करिएगा ओके रमनदीप आई होप यू कॉट दी आंसर आई यू हैव टू डिबल एनोटेशन ओके डिसेबल एनोटेशन आपको करना होगा रमनदीप और मैंने अभी बताया आप इसको दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को मयंक एंडिचा शर्मा इन इन जूम प्रो कैन वी को होस्ट एनी अदर पर्सन टू एडमिट अदर पार्टिसिपेंट एडमिट अदर पार्टिसिपेंट तो देखिए पहली बात तो एज अ होस्ट एक टाइम पे एक ही होस्ट हो सकता है मल्टीपल पोस्ट नहीं हो सकते होस्ट नहीं हो सकते लेकिन जूम वेबिनार मोड एक होता है एक होता है जूम प्रो मोड जो मीटिंग मोड होता है उसमें तो एक ही होस्ट हो सकता है एक एक टाइम पे लेकिन जो वेबिनार मोड होता है उसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं एक होता है होस्ट एक होता है पैनलिस्ट तो पैनलिस्ट को आप कुछ कुछ मतलब एक तरीके से राइट्स दे सकते हैं बट अगर अगर आपको पैनलिस्ट मतलब प्रो मोड में मीटिंग मोड में देर इज़ नो काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ ऑप्शन जो कि मैंने कोई देखा नहीं आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ पे एक टाइम पे एक ही होस्ट हो सकता है यू हैव टू मेक्स अदर पर्सन होस्ट ओके वेबिनार मोड में दोनों चीज़ें होती हैं एज अ प्रेजेंटर एंड एज अ पैनलिस्ट बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करें बैकग्राउंड मतलब कैसा बैकग्राउंड जो जूम जूम में जो पीछे बैकग्राउंड होता है उसकी बात कर रहे हैं आप यस और नो जस्ट टाइप टाइप करिए मुझे कुछ आपका आंसर क्लियर हो जाए उमेश अब ऐसे भी अगर कुछ अगर जूम पे बैकग्राउंड में कुछ चाहिए तो बस गूगल में सर्च करिए ना जूम जूम बैकग्राउंड इमेजेस है न कोहोस्ट भी होता है उमेश गुड आप एक बार ट्राई करिएगा मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया तो इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी ओके तो ये सारे हैं आप सीधा गूगल पे सर्च करिए जूम बैकग्राउंड इमेजेस तो ये कुछ बैकग्राउंड इमेजेस हैं आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और इन्हीं को फिर आप यूज़ कर सकते हैं और राइट इन्हीं को फिर आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड जूम पे ओहो कितना बढ़िया बैकग्राउंड है ये ट्राई करें इसको तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं पहले पहले मैं इस फोटो को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ फिर आई एम क्लिकिंग ऑन जूम एक न्यू मीटिंग ओपन करी मैंने ओके okay, ये जूम चल रहा है इसको ओपन कर देते हैं एंड देन अब आपको शायद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे नहीं है ना तो यहाँ पे ये यह दिख रहा है वर्चुअल बैकग्राउंड तो चूज बट वर्चुअल बैकग्राउंड मैंने क्लिक किया अब वर्चुअल बैकग्राउंड में ओके देन okay, पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है और ये जो मैंने बैकग्राउंड अभी डाउनलोड किया था गूगल से उसी को बस मैं चूज कर लूंगा डेस्कटॉप टॉप पे है दिस वन एंड ओपन तो लेट्स सी मैन्युअली पिक कलर ये वाला तो हो क्या रहा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है ये कुछ इस तरीके से है इसलिए ज़रा अच्छा नहीं दिख रहा एक काम करते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आएगा सीधे यहाँ पर भी थोड़ा सीधे नहीं आ रहा है क्योंकि अभी क्या हो रहा है देखिए मैं आपको बता दूँ कि हो क्या रहा है अभी ये जो मैं ई कैम लाइव यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी मेरा वीडियो यूज़ हो रहा है सेम कैमरा सेम कैमरा मेरा यूज़ हो रहा है यहाँ पर जूम पे भी तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो येलो टी शर्ट है उसके ऊपर तो इसने ले लिया लेकिन ये पीछे पर्दे में नहीं लिया है ओके yeah. सो okay. so, मेरे में मैं आई आई नॉट शो यू लाइक दिस बट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल ओके आई होप दिस इज क्लियर आप ट्राई करिए अपने एंड पे मजा आएगा फाइन सेम टाइम पे जूम एंड यूट्यूब पे लाइव कैसे होते हैं तो प्रो मोड पे हो सकता है ओके प्रो मोड में हो जाएगा ग्यारह सौ रुपये का खर्चा होता है आप उसमें आ, मीटिंग भी कर सकते हैं सौ लोगों की मीटिंग कर सकते हैं और लाइव भी जा सकते हैं संजीव मैंने इसके बारे में आंसर दिया था पहले भी यूट्यूब के थ्रू कैसे आ, कनेक्ट करें जूम को सो इस लाइव वीडियो को दोबारा से देखिएगा राइट तो चलिए काम करते हैं एक घंटे से ज़्यादा हो चुका है वन आवर एंड सेवन मिनट्स हो चुके हैं लेट्स नॉट स्ट्रेच इट आई होप आई हैव आंसर्ड फ्यू क्वेश्चन एंड एक काम करते हैं इसको अब यहीं पर ही बंद करते हैं एंड आई एम प्लानिंग टू गो लाइव मोर एंड मोर लाइक दिस वेयर देखिए मैं तो अपनी तरफ से कंटेंट बना ही रहा हूँ बट लाइव में इस तरीके से यू आंस योर क्वेश्चन बिल्कुल लाइव चल रहा होता है ये तो दिस गिव्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो टू शेयर माई नॉलेज विद यू राइट सो अब क्या है कि आई एम प्लानिंग टू डू सच काइंड ऑफ लाइव ट्रेनिंग्स इस तरीके की आई विल डू ऑन वेबिनाट जैम ऑल्सो एंड अदर टूल्स राइट सो ओके तो आपके जो क्वेश्चन हैं जैसे एग्जाम्पल यूट्यूब पे लाइव होते ही तो होस्ट का वीडियो ही दिखाई दे होता है ही ऐसा आप देखिएगा इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा राइट right? क्या क्वेश्चन है आपका क्या क्वेश्चन है लिखी ज़रा यूट्यूब पर लाइव आने पर ओनली शो वीडियो होस्ट एंड पी डी एफ नो पार्टिसिपेंट्स वीडियो तो अगर आप अगर आप यूट्यूब पर लाइव जाते हैं और मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल लोग हैं तो वो सबके सब लाइव आ जाएंगे ओके आपको क्या करना होगा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से मैंने भी किया था ये जैसा आपने देखा होगा दो लोग आपस में इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो लाइव इसी तरीके से तो होता है जैसे मैंने ये वाला किया था हालांकि यस ये मैंने लाइव किया था ये वाला तो जिसमें मैं नहीं लाइव किया था फिर मैंने यस लाइव किया था मैंने ये जहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा था मेरी टीम एक पर्सन है पंकज उनके साथ मेरा लाइव डिस्कशन था तो हम दोनों की वीडियो देख रही थी सिमिलरली अगर यहाँ पे मल्टीपल लोग होंगे तो मल्टीपल लोगों की वीडियो देखेंगे छः ओके तो दिस इज़ अ लाइव वीडियो लाइव वीडियो लेकिन बाद में मैंने डिलीट करके फिर इसको एडिटिंग करके दोबारा से डाला था राइट सो बाई डिफॉल्ट जितनी पार्टिसिपेंट होंगे गैलरी मोड पर लेकर आएंगे आप जूम को देन यू कैन एवरीबडी विल बी सबकी फ़ोटो वहाँ पर दिखेगी फाइन चलिए आई आई अंडरस्टैंड कि किसी न किसी का क्वेश्चन तो रह ही जाएगा बट आई होप आई एम एबल टू गिव यू सम गुड क्वालिटी वैल्यू इन दिस वन आर सेशन so you can watch it again yeah you can share the same with other people also do subscribe to the youtube channel i am planning to do more such kind of ama you know what ama ask me anything ama ask me anything अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक आज था जूम नेक्स्ट टाइम आई विल डू सम आई विल डू वेबिनार जैम या कोई और टूल के बारे में मैं करूँगा या फिर आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में यू कैन टाइप योर सजेशन कि आपको किस टूल के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए सिमिलरली आई कैन डू अ लाइव सेशन क्यू एन ए राइट एंड ऑल्सो जस्ट बिफोर आई क्लोज दिस आई वु आई वुड आस्क यू ऑल गो टू द डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप इस लिंक पर क्लिक जरूर करिएगा दिस इज़ एन ऑटो वेबिनार ये एक ऑटो वेबिनार है जिसमें आप सीखेंगे आधे घंटे के अंदर अबाउट हाउ टू रिक्रूट विदाउट प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्टेंट है ये वॉच द कम्प्लीट वेबिनार आधे पौने घंटे का आधे आधे घंटे का पैंतीस मिनट का है यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी कॉन्टेंट हर पंद्रह मिनट के अंदर यह वेबिनार होता है जस्ट गो थ्रू इट एंड ऑल्सो आई हैव सम Paid online courses related to how to do your own webinar and so social media marketing and all those things. The please is And I I welcome you to my community. And uh, we 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 must we must invest on our own skills on some of these kind of tools which really make our life easy. Right? All the best. Then I will see you in the next live stream. Bye.